स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं नचिकेत निशांत आपका ऑनलाइन तैयारी की जीके क्लास में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जो ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं कमेंट में, जैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है या फिर पूरी तरह हिंदी में होना चाहिए। तो मैं अपना भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके मापदंडों पे खड़ा उतरूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप पेशेंस रखें, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा और साथ में मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक वीडियो का सवाल है तो ये आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्यन अम्पायर तक ख़त्म कर लिया है, तो उसके बाद का जो पीरियड आता है तो उसमें 10 किंगडम इमर्ज होकर हमारे सामने आते हैं, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग टाइमलाइन याद कर लें, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक टाइमलाइन याद हो जाता है तो आप परीक्षा में किसी भी सवाल का आसानी से उत्तर दे सकते हैं अगर आपको टाइमलाइन याद है। तो देखिए, ये टाइमलाइन तरीका है याद करने का कि इंडियन हिस्ट्री जो एविडेंस मिलते हैं जहाँ से शुरुआत मानी जाती है, तो सबसे पहले 2500 से 1600 BC के बीच का जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर 1600 से 1000 BC के बीच का, देन 1000 से 600 BC के बीच का, एंड देन 600 टू 321 BC, उसके बाद 321 टू 187 BC, एंड लास्टली जो हम चर्चा करेंगे 187 BC से 320 AD। यहाँ पे मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाता है और 10 किंगडम इमर्ज होके सामने आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं इस टाइमलाइन के लिए। तो 2500 से 1600 BC के बीच का जो टाइम है ये माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। तो ये टाइमलाइन आपको याद रखना है, 2500 से 1600 BC के बीच का जो टाइम आएगा दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड आते हैं 1600 से 1000 BC के बीच का, तो ये अर्ली वैदिक पीरियड है। 1600 से 1000 BC के बीच का पीरियड जो माना जाता है वो अर्ली वैदिक पीरियड है। दूसरा है हमारा 1000 से 600 BC के बीच का, तो ये लेटर वैदिक पीरियड है जहाँ पे वैदिक पीरियड 600 BC में समाप्त हो जाता है। और फिर आता है 600 टू 321 BC जहाँ पे आपको गौतम बुद्धा, महावीर और साथ में महाजनपदा जो है इमर्ज हो जाता है पूरे इंडिया में। और उसके बाद जो है अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था 321 टू 187 BC, वो क्या है, मौर्यन एम्पायर, जो कि पहला पैन इंडिया पूरा रूल इमर्ज होके सामने आता है, पहला वेलफेयर स्टेट इंडिया बन जाता है, और अशोका द ग्रेट इसी पीरियड में होते हैं। तो 321 टू 187 BC। और लास्ट में जो अब हम चर्चा करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर, तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो है 187 टू 320 AD, और इसमें जो हम चर्चा करेंगे पोस्ट मौर्या में आपको 10 किंगडम के बारे में। तो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या क्या हम चर्चा करेंगे। तो पोस्ट मौर्या किंगडम्स दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ इंडियन किंगडम्स जो कि 6 होते हैं और साउथ इंडियन किंगडम्स जो कि 4 होते हैं। तो नॉर्थ इंडियन किंगडम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होगा। ये पुष्यमित्र सुंगा जो कि चंद्र लास्ट रूलर जो मौर्यन एम्पायर के होते हैं प्रियदत्ता, उनको मार के ये मगध एम्पायर पे कब्जा कर लेते हैं और पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाते हैं। दूसरा हम पढ़ाई करेंगे कानवा जो कि अपना कैपिटल विदिशा में रखते हैं, और ये सुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं देवाभूमि संगा, उनको मार के ये कानवा डायनेस्टी स्टेब्लिश करते हैं और विदिशा कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे सकास,
और सिंथियंस जिसको कहते हैं, ये अपना कैपिटल गिरनार गुजरात में बनाते हैं। और चौथा होगा हमारा वेस्टर्न सका, और पांचवा होगा कुशांस जो कि अपना कैपिटल पुरुषपुरा जिसको आज पेशावर कहते हैं पाकिस्तान में, और दूसरा कैपिटल ये मथुरा बनाते हैं। और लास्टली प्रतिहांस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको सुंगा, कानवा, वेस्टर्न सकास और कुशान, प्रतिहान और सिंथियंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं साउथ इंडियन किंगडम्स में कौन कौन इमर्ज होके आते हैं। तो साउथ इंडियन किंगडम्स में चार किंगडम मेजरली इमर्ज होके आते हैं, और वो हैं चोलास, चेरास जो कि चेरास आप समझ लीजिए केरला वाला पार्ट जो था तो उसको केरला और सेरा भी कहा जाता था, साथ में पांड्यास और लास्टली सातवाहनास। तो इन सब में आपको सातवाहनास और चोला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है जो आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में नॉर्थ इंडियन किंगडम से और फिर साउथ इंडियन किंगडम की ओर जाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये टाइमलाइन याद होगा ताकि अगली क्लास में आप आसानी से समझ सकेंगे किस तरह इंडिया में इंडियन हिस्ट्री में जो रूल्स एंड रूलर्स बदल रहे थे और किस तरह इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा था। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको नॉर्थ इंडियन किंगडम के साथ और शुरुआत करूंगा सुंगा डायनेस्टी से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।